ये हम डिटेल में करेंगे, तो अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा आइडिया ले लो, अच्छे से तब आपको समझ में आ जाएगा। और माइक्रो क्रेडिट सेटअप तो मैंने आपको बताया, ओके। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ कि ये सारा जो है वुमेन स्टडीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू दी सोसाइटी, ये सारे मुद्दे जो है ये लाइमलाइट में तब आए जब वुमेन स्टडीज ने इन सब की बात करनी शुरू करी, ओके। नेक्स्ट इज प्लेसिंग वुमेन्स एक्सपीरियंस एट सेंटर ऑफ एनालिसिस इन रिसर्च फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, ये वाला पॉइंट जो है ये जब हम रिसर्च वाली यूनिट करेंगे उसके अंदर ही अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। पहले जो था कि भाई जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज के ऊपर, मान लो कि ऐसा नहीं है कि पहले औरतों के ऊपर बात नहीं होती थी, लेकिन वो जो रिसर्च करने का तरीका जो था ना वो मेल डोमिनेटेड था, और जब वो मेल डोमिनेटेड था तो वो औरतों को ऑब्जेक्ट्स की तरह से स्टडी करते थे, कि जैसे आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट लोग जब वो चूहों के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, कि चूहे को आपने कोई दवाई दे दी वो किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अब इसका क्या मतलब है फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स, एक तो ये चूहे वाला एग्जाम्पल हो गया, फॉर द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स का मतलब है जब आप औरतों के एक्सपीरियंसेस को के बारे में औरतों से ही सुनते हो, आप औरतों को वो अथॉरिटी देते हो कि वो खुद आपको उसके बारे में बता सके कि उनकी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आप उनको उनका पर्सपेक्टिव आप इग्नोर नहीं करते। एज अ रिसर्चर आपका काम ये है कि आपको उनका पर्सपेक्टिव आगे लाना, ना कि अपना खुद का। तो ये वाला जो चेंज है ये वुमेन स्टडीज जैसे सब्जेक्ट जो है, फेमिन स्टडीज जैसे सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जब हम रिसर्च करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज एक्नोलेजिंग दैट फेमिनिस्ट रिसर्च इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल, जो हमने रेडिकल फेमिनिज्म ने करा था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। क्यों है ये इनहेरेंटली पॉलिटिकल फेमिनिस्ट रिसर्च, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये पावर रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन की बात करता है और उसके अंदर चेंज लाने की बात करता है, ठीक है। तो इसी वजह से देखो पॉलिटिक्स की बेसिक डेफिनेशन होती है, कॉलेज में पॉल साइंस में पढ़ाते हैं, सबसे पहला चैप्टर होता है कि पॉलिटिक्स की बेसिक डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ पावर रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट पीपल इन सोसाइटी। तो जो चीज पावर के साथ डील करती है उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, ओके। तो जब हम आदमी और औरतों के बीच के पावर रिलेशंस की बात करते हैं, जो कि घर के अंदर होता है, डोमेस्टिक स्फेयर के अंदर होता है, ठीक है, तब हम इन चीजों को बोलते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि एक्चुअली में जो पूरी की पूरी बाहर वाली पॉलिटिक्स डिसाइड हो रही है वो तो आपके घर से शुरू होती है, जहां पे औरतों को दबाया जाता है, उनके लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, सो दैट मेन की सुपीरियोरिटी जो है वो बनी रहे। तो ये भी तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये भी दोनों के बीच में पावर रिलेशन की बात कर रही है, क्योंकि एक बंदे की पावर बनी रहे इसलिए दूसरे को सबॉर्डिनेट करा है। तो इसलिए बोला जाता है कि पर्सनल इज पोलिटिकल, जिसको आप घर के मुद्दे बोलते हो वो भी पोलिटिकल है, क्योंकि घर से ही लार्जर सोसाइटी के पोलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो शुरू हो रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट ये तो हो ही गया एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज, ठीक है, जो मैंने आपको वो 3 पेज भेजे हैं पीडीएफ वाले वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। दैट इज जेंडर स्टडीज के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ये वुमेन स्टडीज वाला तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जेंडर स्टडीज जो है दिस इज अ नॉट होल्ड ऑल टुगेदर बट समवट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट ओनली, ठीक है। तो जेंडर जो चीज तो सिर्फ वुमेन की बात करती है, दैट इज वुमेन स्टडीज ऑब्वियसली, जो चीज मेल फीमेल ट्रांस जो बाकी के आपके क्वीर लोग होते हैं उन सब की बात करती है, दैट इज जेंडर स्टडीज, यानी कि जो हर एक जेंडर की बात करे दैट इज जेंडर स्टडीज, जो स्पेसिफिकली वुमेन की बात करे दैट इज वुमेन स्टडीज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पहले क्या था, जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म आई थी तो वुमेन स्टडीज बहुत फेमस सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन आते आते 80s 90s तक जो है जेंडर स्टडीज ने ये जो रोल था ये ले लिया था, ठीक है। तो ये बात है कि ये शिफ्ट किस तरह से आया हमें वो देखना, और ये शिफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। तो वुमेन स्टडीज केम आउट ऑफ सेकेंड फेमिनिस्ट वेव इन 1960s, वेयर एज जेंडर स्टडीज एमर्ज ओनली 1980s, जो मैंने आपको बोला अभी, ओके। दिस शिफ्ट बिकॉज ऑफ एक्नोलेजमेंट दैट स्टडी ऑफ मैस्कुलिनिटी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एज मेन एंड वुमेन को एग्जिस्ट, कि जब आप वुमेन स्टडीज की बात कर रहे हो तो मेन स्टडीज भी होंगी, ये हो गया एक परस्पेक्टिव जेंडर स्टडीज का, ठीक है, मैस्कुलिनिटी स्टडीज। फिर आगे गे और क्वीर मूवमेंट्स, जो हमने पूरी एलजीबीटी वाली क्लास करी थी, ठीक है, तो लेड टू इंटेरोगेशन ऑफ नॉर्मेटिव हेजेमनीज, ये भी हमने किया था पूरा। तो ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट इसका, और वुमेन स्टडीज वाला तो है ही है। तो ये तीन अलग अलग जेंडर्स की बात कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज देयर फॉर अ यूजफुल टर्म टू ब्रॉडन ट्रेडिशनल वुमेन स्टडीज बेस, की जब हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स की बात कर ली तो फिर इसको वुमेन स्टडीज नाम देना जो है ये ठीक नहीं रहेगा, दिस इज एक्चुअली जेंडर स्टडीज, ठीक है। तो इसीलिए जेंडर स्टडीज जो है वो यूजफुल टर्म बन जाती है, ताकि हम ट्रेडिशनल वुमेन स्टडीज के बेस को ही एनहांस करके दूसरे जेंडर्स के बारे में भी पढ़ सके, और उन जेंडर्स के साथ औरतों के किस तरह के रिलेशन है उसको एनालाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज बट द डिबेट अबाउट दिस टर्म्स इज स्टिल गोइंग, क्योंकि दोनों ही बहुत नए सब्जेक्ट्स हैं। आप सोचो हिस्ट्री राइटिंग जो है वो एंशियंट टाइम से शुरू हो जाती है, तो हिस्ट्री इतना पुराना सब्जेक्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब से लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो है
इकोनॉमिकली एक्सचेंजेस करने शुरू करे होंगे, चाहे वो बार्टर के थ्रू हो चाहे मनी के थ्रू हो, तब से इकोनॉमिक्स चल रही है। पॉल साइंस तब से चल रही है जब लोग जब से शुरू हुए हैं, क्योंकि पावर हमेशा से लोगों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है। लेकिन ये वाले जो नए सब्जेक्ट्स हैं कंपेयर टू दीज सब्जेक्ट जो कि हजारों सालों से चल रहे हैं, ये वाले सब्जेक्ट जो है 50 साल पहले आए हैं, तो इसके अंदर जो है अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके ऊपर स्कॉलर्स जो है वो आपस में एग्री नहीं करते हैं। देर इज सम कंफ्यूजन, देर इज सम एम्बिग्युटी इन दैट कि कौन सी चीज को सही माना जाए और कौन सी चीज को सही ना माना जाए। तो वो चीज है कि अभी भी इन टर्म्स के ऊपर कि विमेन स्टडीज बोला जाना चाहिए, कि जेंडर स्टडीज बोला जाना चाहिए, कि फेमिनिस्ट स्टडीज बोला जाना चाहिए, कि फीमेल स्टडीज बोला जाना चाहिए, कि फेमिनोलॉजी बोला जाना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर अभी डिबेट चल रही है। और ये डिबेट क्या एनालाइज करती है और क्या क्वेश्चन करती है कि इन दोनों टर्म्स की क्या रेलेवेंस है और कौन सा जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एट मोस्ट एक या दो क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसको आप पढ़ के फटाफट टिक कर सकते हो। लेकिन वो जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसको जरूर एक बार देख लेना, उसको इग्नोर मत करना। ओके, किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, तो अभी नेक्स्ट वाली क्लास जो है वो ऑब्वियसली सैटरडे को होगी, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी उससे पहले भी हो जाए, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे उससे पहले ही क्लास हो जाए, क्योंकि वो क्लास है इम्पोर्टेंट, दैट इज अबाउट नेशनल कमिटीज एंड कमीशंस फॉर वुमेन। ठीक है, मैं बोलूंगी पेपर में और कुछ चाहे मत पढ़ के जाना, बट वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना था। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कब बनी थी, हु इज द करंट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस तरह की चीजें बहुत फैक्चुअल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो वाली क्लास कोई भी मत मिस करना। ठीक है, और बाकी तो चलो हो ही गया फिर आज का। ठीक है, और उस क्लास के बाद जो है ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग रिसर्च वाली जो है वो नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ओके, ओके मैम। हाँ जी, चलो देन, गुड नाइट।